उसके जैसे बोर्ड टोटली बंद हो गया है। 18 इंच में 150 सेक्शन का टायर है ये, बराबर होना चाहिए। अच्छा, दोनों बराबर होना चाहिए। हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज एक फ्रेश व्लॉग के साथ हम आ गए हैं। टायर हमारा घिस गया था अपनी बाइक का, तो उसी को चेंज करवाने के लिए आए हैं। और इस बार 130 से 150 में हम शिफ्ट कर रहे हैं। जो अपना पिरेली का आता है वो इंस्टॉल करवा रहा हूँ। अभी पिरेली वाला नहीं आ रहा है इंटरसेप्टर में, आज ही नो। अभी सीएट इंट्रोड्यूस हो गया, क्योंकि पीछे से जो कस्टम इम्पोर्ट ड्यूटी का या जो गवर्नमेंट का कुछ रूल एंड रेगुलेशन चेंज हुए हैं, उसके वजह से इम्पोर्ट टोटली बंद हो गया है। हम आए हुए हैं भैया की जो शॉप है, जिसका नाम है डेकर इम्पैक्स। तो मुझे सिर्फ ये यहीं पर ही अवेलेबल मिला, बाकी मैंने सारे मार्केट ट्राई कर लिया है तो और कहीं मिला नहीं। तो लेट्स सी, तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि कितना घिस गया था। तो यार बेसिकली बिल्कुल ये अपना देखोगे आप, टायर एकदम बिल्कुल प्लेन हो चुका है, पीछे से कोई ग्रिप रही नहीं है। तो आज इसी को हम चेंज करवाने के लिए आए हुए हैं। ये 130 सेक्शन का था शीट का, तो अभी हम इंस्टॉल करवाएंगे पिरेली का जो 150 सेक्शन का आता है। तो दैट इज़ एन ऑन रोड एंड ऑफ रोड टायर बोथ, तो वही इंस्टॉल करवाएंगे आज अपने इसमें इंटरसेप्टर में। ये वाला टायर मैं इंस्टॉल करवा रहा हूँ आज अपने इंटरसेप्टर के अंदर, जिसका नाम है स्कॉर्पियन ट्रेल। तो ये इसमें कुछ इस तरीके के पैटर्न में आता है, तो आप इसको ऑफ रोड में, ऑन रोड पे, दोनों जगह आप इसको यूज़ कर सकते हैं और उतना ही अच्छा ये परफॉर्मेंस देगा। तो ये आप चेकआउट कर लीजिए, यहाँ पे ये है 150, 70 एंड R18 इंच में 150 सेक्शन का टायर है ये, तो जो आज हम इंस्टॉल करवाने वाले हैं। तो इसके बाद अभी दिखाता हूँ मैं पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस कैसे रहता है। तो अपना स्टॉक टायर यार, ये सारा ब्रेक पैड वगैरह हटा के हमने निकाल लिया है, भाई ले गया उसको जो स्पॉक व्हील है उसमें से हटाने के लिए। तो नया टायर इंस्टॉल करके ले आएंगे, देन फिटिंग इसकी हम कर देंगे। ये यहाँ पे अभी इसकी हवा निकाल ली है, फिर इस मशीन पे इसको लगाएंगे। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं मशीन पे इंस्टॉल हो गया ये। अब इस मशीन की हेल्प से हम इसको रिमूव कर देंगे फ्रॉम द रिम। ये कुछ इस तरीके से इसका रिमूवल प्रोसेस होता है हमारे टायर का। इसको लगा के ही पूरा हम रोटेट कर देते हैं, और ये मशीन पूरा रोटेट होने के बाद एक टायर हमारा बाहर आ जाता है। हमने हटा दिया है और ये अब नया वाला टायर को हम इसको जो ये क्या लगा रहे हैं भैया, जो ब्रश से अभी लगाया लिक्विड सिलिकॉन पॉलिश लगाने के बाद हम इस टायर को अभी इसके अंदर ट्रिम के अंदर फिट कर देंगे। और देन इसके बाद जो अपना ट्यूब था उसको फिट कर देंगे। पहले इसकी जो भी हवा रहेगी इसको सारा निकाल देंगे, क्लियर कर देंगे, और देन उसके बाद इस ट्यूब को इनपुट करेंगे इनसाइड द रिम। ये जितनी भी हवा थी वो सारी भैया ने निकाल दी है, जीरो कर दिया इसको। तो आगे वाला टायर तो अपना वही रहेगा, सीएट वाला ही जो स्टॉक आता है। तो जैसा कि भैया बता रहे कि कोई प्रॉब्लम ऐसा चाहनी नहीं चाहिए, तो लेट्स सी देखते हैं कि क्या रहता है। तो ये भी हमने इसके अंदर ट्यूब इंस्टॉल कर दी है, और अब इस टायर को भी फिर देखते हैं। जो अनइंस्टॉलेशन वाला प्रोसेस था सेम उसी तरीके से इसको भी अब इंस्टॉल कर देंगे। तो ये जो अपना नए वाला टायर था ये अब इंस्टॉल हो गया है रिम के अंदर, और अब चल के इसको बाइक में फिट कर देंगे। इससे आगे हम अब ये जो नए वाला जो हमने टायर इंस्टॉल किया है अभी बाइक के अंदर फिट कर देंगे। फिट करने के बाद ये चेन को फिट कर देंगे, एंड देन जो हमने पीछे वाला एक्सल था उसको इंस्टॉल कर देंगे। प्रोसेस सेम ही है, और फिर इसके बाद आपको मैं इसका रिव्यू बताऊंगा चलने के बाद ये कैसे। तो ये दोनों साइड की सेटिंग बराबर होनी चाहिए, तो बराबर टायर घिसेगा फिर, है ना। ओके, सेटिंग काफ़ी बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करती है, जो आपका वेयर एंड टियर होता है टायर का। तो मेक श्योर कि सेटिंग दोनों तरफ बराबर हो, अदरवाइज क्या होगा कि एक साइड से ज़्यादा घिसने लगेगा, दूसरी साइड से कम, और जल्दी टायर वेयर आउट हो जाएगा।
टायर अपना इंस्टॉल हो गया है और उसके बाद देखते हैं इसको चला के। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।